मित्रों कहते हैं कि जो भी पुरुष हमेशा कामवासना की भावना से घिरा रहता है उसके मस्तिष्क में किसी न किसी तरह प्रेम बेला में डूबने जैसी बातें चलती रहती हैं। वो दिन भर स्त्री के अंगों के बारे में ही सोचता रहता है और उसका दिमाग मानो औरत का गुलाम बन जाता है। तो मित्रों आज की हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप भी अपने मन पर काबू पा सकते हैं और गलत मार्ग पर चलने से बच सकते हैं। और ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। अब मित्रों अगर कोई पुरुष दिन भर सिर्फ काम का भोगी बन जाता है तो वो अपनी पत्नी को गलत या फिर बुरा करने से भी नहीं रोक पाता। वो अगर गलत व्यवहार कर भी रही हो तब भी पुरुष अपनी कामवासना के चलते उस स्त्री को वैसा करने से नहीं रोक पाता और ऐसी स्थिति में घर के हालात बहुत बिगड़ जाते हैं। नहीं मित्रों हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप अपनी पत्नी से प्रेम ना करें। हमारे कहने का बस इतना मतलब है कि काम के वश में इतना भी ना आ जाए कि आप सही और गलत में फर्क करना ही भूल जाए। और ठीक ऐसा ही उदाहरण हमें अपने हिंदू धर्म पुराणों में भी देखने को मिलता है जिसमें स्वयंभू मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद के बारे में उल्लेख मिलता है। दरअसल उत्तानपाद की दो पत्नियां थी सुनीति और सुरुचि। जहाँ राजा उत्तानपाद को अपनी रानी सुनीति से ध्रुव वहीं अपनी दूसरी रानी सुरुचि से उत्तम नाम के पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक बार जब ध्रुव अपने पिता की गोद में खेल रहा था तभी वहाँ उसकी दूसरी माँ सुरुचि आ गई और जैसे ही उन्होंने ध्रुव को अपने पिता की गोद में खेलते देखा तो वो गुस्सा हो गए और उसके मन में जलन की भावना उत्पन्न होने लगी, जिसके बाद उसने अपने पुत्र उत्तम को लिया और ध्रुव को राजा की गोद से उतारकर अपने पुत्र को वहाँ बैठा दिया। ऐसा गलत व्यवहार करने के बाद भी वो रुकी नहीं। सुरुचि ने बालक ध्रुव से कहा कि राजा की गोद में वही पुत्र बैठ सकता है जिसका जन्म मेरे गर्भ से हुआ हो, वरना कोई भी नहीं। तू मेरे गर्भ से नहीं जन्मा है इसलिए तुझे राजा की गोद या फिर इस सिंहासन पर बैठने का कोई हक नहीं। जा तपस्या कर, यदि तुझे तेरे श्री नारायण मिल जाए तो उनसे कहना कि तुझे अगला जन्म मेरे गर्भ से दे, तभी तू अपने पिता की गोद में बैठ पाएगा और इस राजगद्दी का वारिस बन पाएगा। राजा की आंखों के सामने ये पूरी घटना घट रही थी लेकिन उन्होंने चूं तक नहीं की और चुप रहकर उन्होंने अपनी पत्नी को ये पाप कर्म करने दिया। और मित्रों इसीलिए कहते हैं कि काम के वश में जो भी व्यक्ति होता है वो सही क्या गलत क्या अंतर करना भूल जाता है। इस बारे में ये भी कहा जाता है कि यदि आपके मन में काम की भावना आती रहती है और आपने भी किसी से जुड़ाव बना रखा है फिर चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो लेकिन आपके चंचल मन की क्रिया आपको उसी रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर देगी। इसलिए कहते हैं कि काम की भावना को अपने अधीन नहीं करना चाहिए वरना आप चाहकर भी अपने जीवन में सफल नहीं बन पाएंगे। मित्रों एक पुरुष के मन में बहुत ही कम बार ऐसा ख्याल आता है कि अपनी काम की अभिलाषा को पूरा करने के लिए मन को शांत कर लिया जाए या फिर कोई अन्य काम किया जाए, लेकिन आपको बता दें कि ये व्यक्ति की सिर्फ गलतफहमी होती है। अगर एक बार आप काम के मोह में आ गए तो आप चाहकर भी उससे अपना पीछा नहीं छोड़ा पाते। वही मित्रों काम को व्यक्ति का बड़ा शत्रु कहा जाता है जिसका कारण ये है कि ये लगातार आपको दिमागी तौर से गिरा देता है और आपके जीवन की तरक्की को आपसे दूर करता है। काम वासना को लेकर ये भी कहा जाता है कि आप चाहे इसे जितना भोग लें ये भावना कभी शांत नहीं होती। ये एक ऐसी तृष्णा है जो कभी नहीं बुझ सकती। बता दें कि वर्तमान समय में लोग गंदा देखते हैं गंदा खाते हैं जिसके चलते उनके विचार भी गंदे होते जा रहे हैं। काम वासना एक ऐसी लत है जो आपके पूरे कुल को खा सकती है। देव दैत्य या मानव जाति जो भी इसके माया जाल में फंसा वो बर्बाद होकर ही रहता है। मित्रों ये एक ऐसी चीज है जिसके आगे व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता और जिसके चलते वो केवल बुरे या फिर गलत काम करता जाता है। इसके जाल में फंसे मनुष्य के मन में लालच क्रोध और मोह जैसी बातें चलती रहती हैं और जिसके भी मन में काम की भावना चलती रहती है ऐसे व्यक्ति को बुद्धिहीन माना जाता है। ऐसा मनुष्य दिन रात सब कुछ भूल जाता है और उसका मन सिर्फ एक ही तरफ लगा रहता है। इतना ही नहीं इस बारे में आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में विस्तार से बताया है कि काम जैसी दुनिया में कोई बीमारी, मोह की तरह कोई शत्रु, क्रोध की तरह कोई अग्नि और ज्ञान से बड़ी सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं। उन्होंने बताया है कि जो भी मनुष्य काम में डूबा रहता है उसके मन में कोई और बात आती ही नहीं, फिर चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष, उसके मन में हमेशा ही विपरीत लिंग के ख्याल आते रहते हैं। उनका ये भी कहना है कि काम वासना अगर आपके शरीर तक रहे तो सही है लेकिन जब ये आपके दिमाग पर चढ़ने लगती है तो समझ जाइए कि आपके विनाश का समय करीब है। ऐसे पुरुष या फिर महिला किसी अन्य की तरफ आकर्षित होते रहते हैं और इसका प्रभाव उनके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। तो मित्रों आज की हमारी ये वीडियो हर समय स्त्री के अंगों के बारे में सोचने वालों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ऐसी सभी आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल के साथ। और हाँ अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं
जिसके लिए लाइक करना होगा आपको हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।